डिसेंट मैथमेटिक क्लास फोर्थ। चलिए क्लास फोर्थ बेटा देखते हैं। बेटा कल हमने फिल इन द बॉक्स तक पढ़ा दिया, 21 क्वेश्चन कंप्लीट किया है चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट के 21 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो चैप्टर फर्स्ट आपका था बेटा रिवीजन। इसमें बेटा हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, फिल इन द बॉक्स है। इसमें बेटा आपका ए बी सी कंप्लीट हुआ है और डी ई एफ आपका एच डब्ल्यू है। इसे आप एच डब्ल्यू में करिएगा। अब चलिए बेटा हम देखते हैं राइट फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो राइट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज अनसेडेड। तो कह रहा है राइट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक दिए नीचे दिए गए प्रत्येक फिगर के फ्रैक्शन, अनसेडेड फिगर को राइट का फ्रैक्शन राइट करिए। अनसेड अब इसका मतलब इज अनसेडेड, जो अनसेडेड है उनका फ्रैक्शन आपको राइट करना है बेटा। तो देखिए राइट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अनसेडेड, जो अनसेडेड है उन इनका फ्रैक्शन आपको राइट करना है। तो 1, 2, 3, 4 कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। और कितना हिस्सा इनका सेड है? 1। तो 1 हिस्सा सेड है, 3 पार्ट आपके अनसेडेड हैं, जबकि टोटल क्या है? 4। तो 1 हिस्सा थर्ड, 4 पार्ट का कितना हिस्सा? 4 पार्ट का कितना हिस्सा सेड है? 1। तो 1 अपॉन 4। फिर यहाँ देखिए कितने पार्ट है टोटल, टोटल ऐड कर लेंगे बेटा तो वही आपका डिनोमिनेटर हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पार्ट है, जिसमें से कितने पार्ट सेट हैं इसके? 3। तो 3 अपॉन 8 हो गया। ऐसे इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 4 प्लस 4 8। अब 8 पार्ट का 1 पार्ट सेट है तो 1 अपॉन 8, इसे आप एस डब्ल्यू में करिएगा। ओके, इसमें कुछ है नहीं। अब चलिए बेटा यहाँ देखते हैं 23 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को ब्लैंक्स में भरिए। तो 7 अपॉन 18 प्लस 4 अपॉन 18, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर आपका अनलाइक है, इसी को आपको ऐड करना है। तो 7 प्लस 4 इजकल टू कितना होता है? 11। 7 प्लस 4 इजकल टू 11, तो 11 अपॉन 18 भरना है। फिर यहाँ पर ऐसे है 11 अपॉन 45 प्लस 8 अपॉन 45, तो 11 प्लस 8 कितना होता है? 19। 11 प्लस 8 इजकल टू 19, तो 19 अपॉन 45। फिर आपका है से सी 7 अपॉन 19 -5 अपॉन 19, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, कितना बचेगा? 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2। तो 2 अपॉन 19। ऐसे बेटा यहाँ पर भी आपको करना है, यहाँ 3 फ्रैक्शन है तो 7 प्लस 2 प्लस 1 जितना आता है ऐड कर लीजिए। तो 7 प्लस 2 9 और 1 10, 10 अपॉन 11। 25 में से अब आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट है, 25 अपॉन 37 -12 अपॉन 37, तो 25 में से आप 12 माइनस करेंगे जितना बचेगा, जितना बचेता है उतना उसके अपन इतना। जैसे बेटा 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 3, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 13 अपॉन 37। यहाँ कितना आएगा? 13 अपॉन 37। यहाँ 29 अपॉन 49 -13 अपॉन 49, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 बचेगा तो 6 लिखेंगे, और 2 में से 1 माइनस करेगा तो 1, तो 16 अपॉन 49। तो बेटा डी ई एफ हमने ओरली बता दिया, ये आपका एच डब्ल्यू, इसे आपको एच डब्ल्यू में करना है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सॉल्व द फॉलोइंग, नीचे दिए गए को सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन नंबर ए इसमें है बेटा, इसमें आपका है रुपया और पैसा, रुपीज एंड पैसे। तो रुपीज एंड पैसे है बेटा, तो 12 रुपीज 25 पैसे प्लस 28 रुपीज 50
पैसे, तो आप इन्हें ऐड कर दीजिए बेटा। तो 5 + 0 ऐड करेंगे 5, और 5 + 2 ऐड करेंगे 7। चलिए ऐड करते हैं। चलिए बेटा देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 24। तो सॉल्व द फॉलोइंग बेटा, रुपीज एंड पैसे हैं 12 रुपीज़ 25 पैसे प्लस 28 रुपीज़ 50 पैसे, 50 पैसे बेटा। अब इन्हें आप ऐड करिए, तो 5 + 0 5, अब 5 + 2 7, कितना पैसा हो गया 75 पैसा। और रुपीज़ कितना, 8 + 2 10, 10 के 0 1 कैरी 2 + 1 3, 1 कैरी है, तो 2 + 1 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो कितना रुपीज़ हो गया, ₹40.75। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि रुपीज आपका कितना है 40 और पैसा कितना है 75, ऐसे आप राइट कर सकते हैं, यहाँ आंसर राइट कर सकते हैं। यस ठीक, ऐसे आप राइट कर सकते हैं 40 रुपीज़ 75 पैसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का बी देखते हैं बेटा। तो चलिए बी देखिए, बी बी है ₹368 और पैसा है 25। अब ₹199.75, अब इन्हें बेटा आपको माइनस करना है। तो माइनस करना है तो 5 में से 5 माइनस हो जाएगा 0, बट 2 में से 7 माइनस नहीं होगा। चलिए देखिए, चलिए बेटा देखिए, ₹360.25 माइनस 199.75 पैसे, आपको 360 रुपीज़ में से 199 रुपया माइनस करना है और 25 पैसे में से 75 पैसा माइनस करना है। तो आप बेटा जानते हैं कि 25 में से 75 माइनस नहीं होगा। तो आपको बताया गया था कि अगर रुपया से पैसा बारो लेते हैं तो ये रुपया पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, 1 रुपीज़ अगर हम बारो 8 में से 1 बारो लेते हैं, 8 रुपया बारो लेते हैं, तो ये पैसे में आता है तो 100 पैसा हो जाता है। 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे, 100 पैसे हो गया बेटा। अब 100 पैसे तो पैसा, और 25 पैसा है तो 100 + 25 इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 125 पैसा। ठीक, 125 पैसा, अब 125 पैसा हो गया। अब 125 माइनस 75 आप माइनस करिए बेटा, तो देखिए कितना बचेगा, यही माइनस कर दीजिए, आपको यहाँ पर ऐसे राइट कर देना। तो 5 में से 5 माइनस होगा 0, 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, 1 बार ले लेंगे हो जाएगा 12, तो 12 जब लेंगे 12 में से 7 माइनस होगा 5, अब कितना पैसा बचा 50 हो गया। वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव में से हम 75 माइनस करते हैं तो कितना पैसा बचता है, 50 पैसा बचता है। अब यहाँ 7 है तो 7 से 9 माइनस होगा नहीं, तो 7 से 9 50 पैसा, तो 7 से 9 माइनस होगा नहीं, तो हम 1 बारो ले लिए 17 हो गया। अब 17 से 9 माइनस करिए, बचेगा 8, कितना बचा 8 बचेगा, और यहाँ बचा है 5 से 9 माइनस नहीं होगा, 1 बारो लेंगे हो गया 15, अब 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। ओके, अब यहाँ बचा 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो कितना रुपीज हो गया, रुपीज आपका हो गया 168 और पैसा आपका हो गया 50 पैसा। यही आपका क्या है आंसर, ऐसे ही आपको राइट करना है बेटा। यहाँ इसको पैसे को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, पैसा कितना 125, फिर पैसा है, ये गलत है बेटा, तो
100 प्लस 25 इक्वल टू कितना पैसा हो गया, 125 पैसा। तो 125 पैसे में से 75 पैसा माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 50 पैसा। तो यहाँ 50 आपने राइट कर लिया, अभी इसको यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 70 में से 9 माइनस होगा 8 बचेगा, 15 में से 9 माइनस होगा 6 बचेगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1। तो आपका कितना रुपीज़ आ गया, 168 रुपीज़ 50 पैसे। अंडरस्टैंड। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी बेटा देखो, सी है रुपीज और पैसा। 57 रुपीज 75 में हमें 9 का मल्टीप्लाई करना है। 9 नंबर का क्या करना, मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना है बेटा 57 पैसे में 9 का मल्टीप्लाई करना। अब चलो बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बेटा हम पहले पैसे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या है 75, यहाँ ये रफिंग है 75 9 मल्टीप्लाई, पहले यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 75 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 के 5 4 कैरी, 9 7 जा 63 में 4 ऐड करेंगे 67। तो आपका हो गया 67। कितना पैसा आ गया, 9 में 75 पैसे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 पैसा आ गया। अब हम रुपीज में यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 567 मल्टीप्लाई 9, अब 9 में मल्टी 9 7 जा 63 के 36 कैरी, और 9 6 जा 63 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 63 के 36 कैरी, और 9 6 जा 54 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60। 54 में 6 ऐड करते कितना गया, 60। अब 60 के 06 कैरी, 6 कैरी, और 9 5 जा 45 में 6 ऐड करेंगे तो 45 में 6 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। अब हम देखिए बेटा पैसे का पैसे में मल्टीप्लाई कर लिए, और पहले पैसे को मल्टीप्लाई कर लिया फिर रुपये को मल्टीप्लाई कर लिया ना। तो 675 पैसा आ गया और 5103 रुपीज आ गया। अब एक चीज़ है बेटा, तो 600, तो आप जानते हैं कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। अब पहले आप देख लीजिए बेटा, आपका आ गया 51,603 पैसा, यही आया है 5,103.675 पैसा आ गया। अब आप जानते हैं बेटा कि 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा, 100 पैसा, और 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। ओके, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। तो 675 पैसे इक्वल टू कितना हो गया, 6 रुपीज और 75 पैसा। तो रुपए को रुपए में ऐड कर लेंगे और पैसे को पैसे में, तो अब 6 रुपीज हो गया, 75 पैसा हो गया। तो 5,103 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 6 प्लस 3 9 0 1 5 5,109 रुपीज हो गया। तो
आपका पैसा पैसे में चला गया, रुपयों को 6 रुपयों को आपने 5103 में आपने ऐड कर दिया, तो आपका आ गया 5109 रुपीज और 75 पैसा। यही आपको करना बेटा। अब इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, अगर जैसे इस चीज़ को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं बेटा कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। अब 675 पैसे इक्वल टू 6 रुपीज 75 पैसे। यही है बेटा, ऐसे भी आप ऐसे राइट कर सकते हैं। अब हो गया, अब हम लिखेंगे 5103 रुपीज 675 पैसा लिख लिए। अब आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 5103 प्लस 6, यहाँ ऐसे आप राइट कर लीजिए, तो 6 प्लस 3 9 0 1 5 हो गया बेटा। और आपका ये पॉइंट कितना है 75, तो आपका 75 पैसा भी हो गया। तो आंसर आ गया 5109 75 पैसा। आपने यही चीज़ यहाँ पर ऐड कर लिया, तो आपको जो चाहिए आप ऐसे ही कर लीजिएगा और चाहे ऐसे करिएगा, ठीक। लेकिन ये करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई इसको भी करना है, इसको भी करना है। अब बेटा ऐसे आपका मीटर सेंटीमीटर में है, ये हो गया, इसका हम फोटो भेज देंगे जो आपको सही लगेगा, या ऐसे ही कर लीजिएगा। ऐसे अगर नहीं, थोड़ी सी दिक्कत होती है, यहाँ समझ लीजिएगा, करिएगा ऐसे ही, ठीक। अब देखिए बेटा 24 का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सॉल्व करें मीटर सेंटीमीटर। अब मीटर सेंटीमीटर आपको पहले इसको ऐड कर लेना, तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 14 में 6 ऐड करेंगे 20, 20 के 0 2 करें 4 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, तो 10 हो जाएगा 100। इसको बेटा इसे हाँ चलिए ऐड कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, साल द फॉलोइंग, ए मीटर सेंटीमीटर 12 26 48 19 2 प्लस 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 14 में 6 ऐड करेंगे 20 के 0 2 कैरी 4 प्लस 2 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, अब 8 प्लस 2 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 के 2 1 करी 4 प्लस 1 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, तो 62 मीटर आ गया और 90 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आप ऐसे राइट कर सकते हैं 62 मीटर और 90 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर मत राइट करिएगा मीटर सेंटी, यहाँ ऐसे राइट कर लीजिएगा, यहाँ आप आंसर दे दीजिएगा कि 62 मीटर 90 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। ओके,
अब बेटा बी और सी है, ए बी और सी आपका एस डब्ल्यू है, इसे आप एस डब्ल्यू में करिएगा, ठीक इसी मेथड से करना, बशर्ते यहाँ रुपया पैसा आ गया, यहाँ मीटर सेंटीमीटर आ गया, तो इसे करिएगा, नहीं तो अगली बार हम बताएंगे, बट ए एच डब्ल्यू है, आप इसे एस डब्ल्यू में करिए, दैट्स ऑल।